हमारे साथ महारानी परनीत कौर हैं जो आज नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। मैम आज आप नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं? मैं नॉमिनेशन दाखिल करने जा रही हूँ। फैमिली मेंबर्स 3-4 जाएंगे, जहाँ कैप्टन साहब बैठे होंगे तो हम 5 बंदे, मेरे कैप्टन साहब, मैं, मेरे दोनों बच्चे और जो हमारा मेन प्रपोज है, वो अंदर जाके हम अपने कागज दाखिल करके बाहर आ जाएंगे, फिर काम शुरू हो जाएगा जैसे रोज हो रहा है। मैम किस तरह देख रहे हैं इस बार के चुनावों को, क्योंकि अगर बात करें पिछली बार भी कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, पटियाला एक हॉट सीट की तरह देखी जा रही थी। पिछली बार एक सोच थी, उस सोच के ऊपर लोगों का मन बना और उन्होंने वोटे पाई धर्मवीर गांधी को। अब वो सोच नहीं है, पर चोन चोन होती है, टक्कर हर वक्त होती है, पर मुझे बहुत ज्यादा इस टाइम कॉन्फिडेंस है और विश्वास है लोगों के ऊपर कि वो कांग्रेस पार्टी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ विजेता करके भेजेंगे। सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि हम पटियाला से परनीत कौर को इस बार जो है हरा देंगे, आपको लगता है कि जो वो चुनौती दे रहे हैं? मुझे अकाली दल कभी भी नहीं हरा सका यहाँ से, सो जो चुनौती दे रहे हैं ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी की तौर से दे रहे हैं, पर मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि पटियाले डिस्ट्रिक्ट में सुखबीर सिंह बादल का कुछ नहीं है। मोदी लहर आपको लग रही है इस बार कहीं भी? थोड़ी कोई मोदी लहर नहीं है, कांग्रेस लहर है, ना मोदी लहर ना सुखबीर बादल लहर। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बता दीजिए, जीत जाते हैं तो कौन सी सबसे पहले काम? ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत है, जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना जो शुरुआत हो गई है, उसके बाद जो सिटीज और विलेजेस में पहले पानी का निकास होगा, सुएज होगा, ड्रिंकिंग वाटर होगा, इन पर काम शुरू हो गया बहुत बड़े पद्धर के ऊपर, इनको मुकम्मल करके फिर हम आगे जाएंगे। कैमरामैन शरद के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, पटियाला।